नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सरार और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नागनी के फेरे हुए, न पंडित बैठा, न शादी की कोई अन्य रस्म निभाई गई। दूल्हा दुल्हन ने भारत संविधान के प्रति हाथ में रखकर उनकी प्रस्तावना पढ़कर नया रिश्ता शुरू किया और जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। एक वकील और टीचर की यह अनूठी शादी बैतूल जिले में हुई, जहाँ तक की शादी का इन्विटेशन कार्ड भी संविधान के थीम पर छपवाया गया था। कपल का कहना है कि देश का संविधान हमें राइट टू चूज का अधिकार देता है, इसी के तहत हमने इस तरह की शादी की। दर्शन और राश्री का शादी तक का रहा सफर की वकील दर्शन बुंदेला और टीचर राश्री अहिरे काफी समय से एक दूसरे को जानते थे। दोनों अलग अलग समाज से आते हैं। प्रेम विवाह के लिए परिवार को मनाना बड़ी चुनौती थी, लेकिन दोनों ही खुशी देकर परिजन भी मान गए। दर्शन और राश्री ने पहले रजिस्टर्ड मैरिज की, इसके बाद रविवार रात उन्होंने भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हुए शादी की। बैतूल से एडिशनल इंचार्ज रहमत अली की यह खास रिपोर्ट। अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम एडवोकेट दर्शन बुंदेले है। रात को जो शादी हुई है उसके बारे में बताइए। रात में मैंने मेरी जो साथ में पढ़ती थी राजश्री अहिरे, हम दोनों ने पहले से डिसाइड किया था कि हमें शादी करना है। तो कल हम लोगों ने नए जीवन की शुरुआत की और हम लोगों ने साथ में रहने का निर्णय लिया है। इस दौरान हमने संविधान की प्रस्तावना पढ़ के लोगों को बताइए, और संविधान का आर्टिकल जो 21 है और आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 21 ये बोलता है कि राइट टू लाइफ के अंतर्गत राइट टू चूज आपका फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू चूज जो हमारा पसंद का अधिकार है, तो उसके आधार पर मैंने राज को पसंद किया था। और जैसा भारतीय संविधान कहता है कि किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो, जहाँ पर इवन मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो, जहाँ पर अभी एक टीचर ने एक स्टूडेंट को इसलिए मार दिया क्योंकि वो दलित कम्युनिटी से आता था और उसने मटके का पानी छीन लिया था। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन जो है डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। तो हम लोगों ने सोचा था कि जब अगर हम एक अंतरजाति विवाह करते हैं, तो जो समाज में जाति की जड़ें मजबूत हो रही है उस पर थोड़ा सा प्रहार करेंगे और जाति को ख़त्म करने का काम करेंगे। इसमें पंडित और फेरे वगैरह नहीं हुए, इसमें केवल हमने भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है और उसमें जो आर्टिकल 21 आर्टिकल 19 उसके बारे में पढ़ा है और साथ में रहने का निर्णय लिया है। इस शादी से आप कैसा महसूस कर रही है? जैसे देश में लोगों को मौलिक अधिकार मिले हैं और उसका मतलब उसकी अनुभूति होनी चाहिए कि वास्तव में हम स्वतंत्र हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो रहा है। तो इस शादी का मुझे वैसे ही लग रहा है कि हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं और संप्रभु हैं।